दोस्तों, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको आपको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि आपको उसे महसूस करना है, उसे विजुलाइज करना है। दोस्तों, जिंदगी की शुरुआत के 20 साल हवा की तरह कब उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता, और फिर शुरू होती है एक नौकरी की खोज। शुरू में कई सारी नौकरियां छोड़ते पकड़ते और फिर एक नौकरी तय हो जाती है, फिर यहीं से लाइफ में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है, फिर आती है हाथ में पहली सैलरी और शुरू हो जाता है बैंक में शून्यों का अंतहीन खेल। ऐसे ही कुछ 5-7 साल गुजर जाते हैं और बैंक में कुछ और शून्य जमा हो जाते हैं। इतने में उम्र 25 साल हो जाती है, घर में शादी की बातें शुरू हो जाती है, अपनी पसंद या माँ बाप की पसंद से शादी हो जाती है और जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। शादी के 2-4 साल बड़े आराम से एक दूसरे के सपनों में गुजरते, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बातें करना, घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपने, पर यह दिन जल्द ही उड़ जाते हैं और इसी समय थोड़ा घूमने फिरने और खरीदारी में बैंक के शून्य थोड़े कम हो जाते हैं। फिर एक दिन जिंदगी में बच्चे की आने की आहट होती है, साल भर में घर में पालना झूलने लगता है और दोनों का सारा ध्यान खुद से हटकर बच्चे पर केंद्रित हो जाता है। बच्चे का खाना पीना, उठना बैठना, उसके खिलौने, कपड़े, लाड़ प्यार, समय कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता है। ऐसे में कब उसका हाथ अपने पत्नी के हाथ से निकल गया, बातें करना, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना कब बंद हो गया उसे पता ही नहीं चला। हर सुबह ऐसे ही होती गई, बच्चा बड़ा होता गया, पत्नी बच्चे में व्यस्त होती गई और पति अपने काम में। घर की किस्त, गाड़ी की किस्त, बच्चे की फीस, उसका सुरक्षित भविष्य और इसके साथ साथ बैंक में शून्य बढ़ाने की टेंशन। उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया, बच्चा बड़ा होने लगा और स्कूल जाने लगा, पत्नी का पूरा समय बच्चे के साथ बीतने लगा। इतने में वो 35 का हो गया, खुद का घर है, गाड़ी है, बैंक में बहुत शून्य है, पर फिर भी कुछ कमी है। कमी क्या है उसको पता नहीं चल पाता, इसलिए व्यवहार में परिवर्तन आता है तो पत्नी की चिड़चिड़ भी बढ़ने लगती है और वो खुद भी उदासीन होने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते गए, बच्चा बड़ा होता गया और बच्चे का खुद का एक संसार हो गया। उसकी 10वीं आई और चली गई, तब तक दोनों 40 के हो गए, बैंक में शून्य बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे पुराने दिन याद आए तो वो पत्नी से कहता है, अरे सुनो, मेरे पास बैठो, चलो पहले की तरह हाथों में हाथ लेकर बैठते हैं, कहीं चलते हैं, घूम के आते हैं, बातें करते हैं। पत्नी अजीब सी नजरों से उसको देखती है और कहती है कि तुम्हें भी ना कभी भी कुछ भी सूझ जाता है, मुझे घर में ढेर सारा काम पड़ा है और तुम्हें घूमने की पड़ी है। फिर कमर में पलू ठोंस के वो निकल जाती है। फिर आता है 45वां साल, चश्मा लगा हुआ है, बाल सफेद होने चालू हो गए हैं, दिमाग में टेंशन और उलझने होने लगी हैं। बेटा कॉलेज में है, बैंक में शून्य बढ़ रहे हैं क्योंकि आप बहुत बिजी हैं बेटे के भविष्य को सही करने में। पत्नी भी मोहल्ले में कीर्तन में जाने लगी। फिर बेटे का कॉलेज खत्म हो गया और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एक दिन उसके पर फूटे और वो नौकरी करने के लिए विदेश फुर्र हो गया। अब पत्नी के बाल भी सफेद होने लग गए, चश्मा लगा हुआ है, दिमाग भी टेंशन में रहने लगा और धीरे धीरे वो बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे, उम्र 60 की तरफ बढ़ने लगी। बैंक में कितने शून्य हैं उसे अब खबर भी नहीं है। बाहर आने जाने का कार्यक्रम तो अपने आप बंद हो गया, घूमना फिरना, पार्टी, यह सब बंद हुए तो काफी समय हो गया था। बस अब गोली दवाइयों का दिन और टाइम निश्चित होने लगा, डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट होने लगी। जो मकान लिया था ये सोच के कि बच्चे बड़े होंगे, हमारे साथ रहेंगे, हम सब मिलकर एक साथ इस मकान में रहेंगे, ये सोचकर लिया वाला मकान भी अब काटने को दौड़ने लगा। एक दिन बच्चे वापस आएंगे, बच्चे कब वापस आएंगे, ये सोचते सोचते ही अब जिंदगी के बाकी दिन बीतने लग गए। आखिर में यही तो रह गया था, इंतजार और उम्मीद।
और फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जब वह सोफे पर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। पत्नी शाम की दिया बाती कर रही थी, वो देख रही थी कि वो सोफे पर बैठा हुआ है। इतनी में फोन की घंटी बजी, उसने सोफे से लपक कर फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसका बेटा था। बेटा अपनी शादी की जानकारी देता है, उसे बताता है कि वह अब प्रदेश में ही रहेगा, वापस नहीं आ पाएगा। पिता दुखी हो जाता है और थोड़े देर के लिए सहम सा जाता है। फिर बेटे को बोलता है कि बैंक में रखे हुए शून्यों का क्या करना है, क्योंकि विदेश की तुलना में बेटे के लिए पिता के शून्य अपशून्य थे। तो बेटे ने सलाह दी कि इन पैसों से एक वृद्ध आश्रम बना दो और खुद भी उधर रहो, क्योंकि अकेले रहेंगे तो आप लोगों की देखभाल कौन करेगा। फिर कुछ फॉर्मल सी बातें करके फोन रख देता है। पिता फिर आकर सोफे पर बैठ गया, उसने पत्नी को आवाज दी कि सुनो, आज फिर हाथों में हाथ डालकर बैठते हैं, पुरानी नई बातें करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। पत्नी बोली, रुको, बस अभी आई। पति को विश्वास ही नहीं हुआ, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें बह आई, गाल भीग गए। फिर अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई, सांसें अटक गई और वो हमेशा के लिए शांत हो गया। पत्नी पूजा निपटाकर उसके पास आकर बैठी और बोली, बोलो क्या बोल रहे थे, क्या बातें करनी है। पर उसने कुछ नहीं कहा, उसने उसके शरीर को छुआ जो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और जो उसको ही एक तक देखे जा रहा था। क्या करूं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी संभली, उठी और पूजा घर जाकर अगरबत्ती दिया जलाकर फिर पति के पास आकर उसका ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, बताओ ना किधर घूमने चलना है, क्या बातें करनी है, बोलो ना। उसकी आंखें भर आई, वो एक तक उसको देख रही थी, आंखों में आंसू निकले जा रहे थे। उसका सिर उसके कंधों पर गिर गया था और वो ठंडी हवा का झोंका अभी भी चल रहा था। दोस्तों, क्या यही जिंदगी है, बस यही शून्यों का खेल। मैं इस कहानी में क्या कहना चाहता हूँ ये आप खुद समझे। दोस्तों, अपने लिए भी जिए और किसी अपने के लिए भी थोड़ा वक्त निकालें, वरना सब यही धरा रह जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है कि हम सबको अपने वीडियो के माध्यम से जिंदगी की हकीकत से अवगत कराएं। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।